हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 7 टाइप्स ऑफ नेगेटिविटी वी नीड टू किल राइट नाउ। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुरंत हमें छोड़ देनी चाहिए। आज कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बात करते हैं। पहली, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म एक ऐसी आदत है जिसमें इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है उसे हर चीज परफेक्टली करने की जरूरत है, और ये परफेक्शन के चक्कर में ना आप चीजों को डिले करते रहते हैं। एक ऐसा टारगेट सेट कर देते हैं खुद के लिए जो लिटरली अनअचीवेबल है, और जिसके कारण अल्टीमेटली आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पर आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, तो आप सारी चीजों को कलेक्ट करते ही रहोगे कि ये भी चीज मैं ऐड कर दूं, उसको भी डाल दूं। ऐसा करते करते आप चीजों को बस डिले करते रहेंगे, और लास्ट में क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आज से ही इस परफेक्शनिज्म की आदत से छुटकारा पाने की कोशिश करिए। दूसरा, हैबिट ऑफ बीइंग जजमेंटल, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये आदत तो पहले वाली से भी बुरी है, क्योंकि इसमें आपकी रिलेशनशिप डैमेज होने लग जाती है। एक जजमेंटल इंसान लाइफ के सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर ही ध्यान देता है। उसे लगता है कि हर एक चीज में बस कमियां ही कमियां हैं। पॉजिटिव कितना ही कर लो, फिर भी उसको नेगेटिव ही नजर आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी है कि एक ग्लास आधा भरा हुआ था, तो एक पॉजिटिव इंसान उसमें बोलेगा अरे वाह इसमें पानी है, और एक नेगेटिव इंसान बोलेगा ये तो आधा है। इसी तरीके से एक जजी इंसान हमेशा नेगेटिव चीजों को हाईलाइट करेगा। वो अपने लिए भी नेगेटिविटी ढूंढेगा और सामने वाले में भी बस कमियां। ये आदत आपके रिलेशंस को डैमेज करती है, क्योंकि सामने वाला कभी भी आपके साथ उस लेवल पर कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता। हर एक इंसान चाहता है एक एप्रिसिएशन, कोई क्यों अपनी बुराई सुनना चाहेगा। इसका सोल्यूशन यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस जजमेंटल आउटलुक से आप बाहर आइए, चीजों में पॉजिटिविटी देखना शुरू करिए। कोशिश करिए कि अपने इस नजरिए को बदलें। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करिए। जरूरी नहीं है कि हर जगह सिर्फ कमियां ही देखी जाएं। तीसरी चीज है हैबिट ऑफ सेल्फ डाउट। हमेशा खुद पर शक होना कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप कितनी ही कोशिश कर लो किसी काम को बेहतर तरीके से करने की, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है, जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तब तक वो अच्छे से हो ही नहीं सकता। ऑलवेज रिमेम्बर, आप अपने सबसे बड़े फैन होने चाहिए। आपको दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर होना जरूरी है, तभी आप दुनिया को भी खुद पर विश्वास दिला पाएंगे। जिस इंसान को खुद पर विश्वास नहीं है, आप खुद सोचिए कोई और उस पर कैसे भरोसा कर पाएगा। तो इस आदत को आज से ही बदलिए। सेल्फ डाउट को कन्वर्ट करिए सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में, ट्रस्ट में। देखना फिर कैसे हर एक काम आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। फोर्थ, अज्यूमिंग द वर्स्ट विल हैपन। एक ऐसी आदत जहां आप यही सोचते हो कि सारा बुरा सिर्फ मेरे साथ होगा या मेरे अपनों के साथ होगा। जैसे कई बार पेरेंट्स के साथ हो जाता है, अगर उनका बच्चा बाहर है, किसी काम से गया है, तो उन्हें लगता है कि जैसे किडनैपिंग से लेकर सारे उल्टे काम सिर्फ उनके बच्चों के साथ ही हो सकते हैं। ऐसे नेगेटिव थॉट्स के कारण आप क्लियर माइंड से सोच ही नहीं पाते हो, हमेशा एक फियर रहता है। अगर आप खुद इतनी नेगेटिविटी अपने दिमाग में रखेंगे, आप खुद सोचिए कैसे कोई कंस्ट्रक्टिव थॉट आपके दिमाग में डेवलप हो पाएगा। और ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से एक होप की फाउंडेशन को वीक करते चले जाते हैं। लाइफ में होप होना बहुत जरूरी है। हर सिचुएशन से बाहर आने की उम्मीद ही इंसान को हिम्मत देती है। इसीलिए अब से इस आदत को तुरंत छोड़िए। कोशिश करिए हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की कि कुछ भी हो मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड है, मेरे अपने, मेरे सभी सेफ हैं। फिफ्थ, पीपल प्लीजिंग। हमेशा बस दूसरों को हाँ बोल देना, चाहे आप उसमें कंफर्टेबल हो या ना हो। दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी बैलेंस होना जरूरी है। अगर आप खुद ही अनकंफर्टेबल रहोगे तो कैसे आप दूसरों को खुश रख पाओगे। एक बैलेंस बनाना लाइफ में बहुत जरूरी है। प्रायोरिटाइज करना कि कहाँ पर मुझे हाँ बोलने की जरूरत है और कहाँ ना से भी काम चल सकता है। किसी को हमेशा हाँ बोलकर आप उसे अपना नहीं बना सकते, बल्कि रेलिवेंट होकर आप किसी को अपना बना सकते हो। सिक्स्थ, हैबिट ऑफ रिपीटिंग मिस्टेक्स। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, बल्कि गलतियों से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन अगर वही गलतियां बार बार दोहराई जाएं तो वो सिर्फ आपका नुकसान ही करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको पता है कि सुबह उठना आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, आपके काम अच्छे से हो पाएंगे, और फिर भी आप रूटीन में रोज लेट उठ रहे हैं, तो दोस्त गलती आपकी है, और वो गलती सिर्फ एक सजा है जो हम हर रोज खुद को दे रहे हैं। कुछ भी हो, रिपीटेड मिस्टेक्स करने से बचें।
इसका मतलब है कि आप उस गलती से सीख नहीं ले रहे हैं, बल्कि बार 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 अपने आप को फेल कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको ये चीज़ें बहुत नुकसान कर सकती हैं। लास्ट, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। लाइफ हज़ारों फैक्टर्स से जुड़ के बनती है, कोई भी एक चीज़ आपको सिर्फ सिंगल फैक्टर से नहीं मिल सकती। इसीलिए एक कंट्रोलर बनने के बजाय एक एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड लेकर आइए। जो भी सिचुएशन है, जैसे भी लोग आपके आसपास हैं, जैसा भी आपका काम है, उन सबको रियलिटी में एक्सेप्ट करिए। उसके बाद ही आप कोई भी चेंज लेकर आ पाएंगे। कंट्रोल करने की आदत आपको फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के सिवा कुछ भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि आप कितना ही कुछ क्यों ना कर लेकिन चीज़ें अपने हिसाब से ही होंगी। मान लीजिए आपने रिलेशनशिप में 100% दिया, बट फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशन वर्क करे, क्योंकि रिश्ता दो लोगों के बीच होता है और दोनों का कंट्रीब्यूशन एफर्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स भी कुछ इसी तरीके से फंक्शन करते हैं। आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस दिन आप ये कंट्रोल करने की आदत छोड़ देंगे, आप खुद को और ज़्यादा लाइट फील करेंगे और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। बस इन सभी हैबिट्स को अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश करिए। आज से ही इन सभी नेगेटिविटीज़ को अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।